अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? सबके ठीक ठाक मज़े में होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। और ये है जी ईद का सेकंड डे, लेकिन ये मैं ऐड करूँगी स्टार्टिंग में इंट्रो जो होगा। तो मीठे से स्टार्ट करते हैं जी आप सबको, हम सब की तरफ से ईद मुबारक। हमारी ईद तो बहुत ही ख़राब सी, बोर सी और ऐसी गुजर गई है। फर्स्ट डे का बिल्कुल नहीं पता चला, संडे था तो बस ऐसे ही हम भी घर में बोर होते रहे। और कोई वो ज़ाहिर आपको पता, कुर्बानी की ईद हो और घर में मीट वगैरह ना आया हो, इस तरह के जैसे जो आपने कुर्बानी की हो वो हमें बकरा जनाब आज मिलेगा। और अभी यहाँ पर टाइम 10:30 हो रहे हैं तो, लेकिन ना अभी तक कोई खैर खबर नहीं है उसकी, ठीक है? जैसे ही शाम भी हो सकती है, जिस टाइम पे आएगा वो भी सारा क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी कि वो क्या आया, किस तरह आया, ठीक है जनाब? तो अभी खैर मैं मीठा बना रही हूँ, मैंने स्टार्ट किया है। और ये इस दफ़ा मैं ये वाला खीर का एक पैकेट लेके आई हुई थी, खीर मिक्स, तो इसको ट्राई करते हैं। रखा हुआ था, मैंने कहा बना लेते हैं। और ये दोनों हैं भी मेरे फेवरेट ही हैं, कोकोनट प्लस पिस्ताशियोस। तो ये देखें ये क्या हुआ है जी। अच्छा चलें कोई बात नहीं, बच्चे मेरे स्कूल गए हुए हैं, घर में कोई भी नहीं है, हस्बैंड जॉब पे हैं और ईद का सेकंड डे है, मैंने आपको बताया है। तो क्या यार ईद होती है, कुछ भी नहीं होती, बाकी आप ऐसे की ईद होती है यहाँ पर, बाकी आपने खुद सारा सोच समझ लेना है कि हम लोगों की ईद कैसे की गुजरती है। स्वीट डिश रेडी हो चुकी है जनाब, मैंने एक ही बॉल बनाया है, 1 लीटर दूध से बनाया है, बस ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि ये तो बस ऐसे ही चखने चखाने के लिए होता है। बच्चे आइसक्रीम वगैरह ज़्यादा खाते हैं, इनको कम ही मुँह लगाते हैं, तो मैंने कहा चलें पड़ा भी हुआ है इसको रेडी कर लेते हैं। और बस अभी बाद में मिलूँगी आपसे कुछ देर में, जैसे ही मीट वगैरह आता है फिर वो इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। खाने में क्या बन रहा है जी? खाने में बन रहा है कीमा, खड़े मसाले वाला कीमा, कढ़ाई जो मर्जी कह रहे हैं इसको। अभी मैं इसको भूनती हूँ, मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है और इसमें ऑयल जाएगा थोड़ा सा, बस इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। एंड पे मैं इसमें सब कुछ ऐड करूँगी जो मैंने ऐड करना है, वो भी आपको दिखाती हूँ। अभी खाना आज काफ़ी लेट हो गया है, तकरीबन 9:30 हो रहे हैं और मैं अभी खाना पका रही हूँ। और खाएँगे किस टाइम पर? वीकेंड है बस, और कल ईद है फिर जनाब। खाना रेडी हो रहा है, साथ में मैंने थोड़ा सा रायता बना लिया, सादा सा, बिल्कुल हरी वाली जो मिर्चें होती हैं, ग्रीन चिलीज, उनको बस मैंने पानी में किया है चॉप ग्राइंड। और इसमें दही में नमक डाला है। अब इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, साथ में डाल लेते हैं जी ड्राई मिंट, इसके साथ भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ऐसे ही लगता है जैसे ना आप बड़ा स्पेशल वाला बाहर से ले रहे हैं। बाहर वाली जो चीज़ें होती हैं ना, आपको पता है वो घर बन जाती हैं, तो हम कहते हैं वो बाहर वाली चीज़ें जो होती हैं ना वो मज़े की होती हैं, वही वाला टेस्ट आ रहा है ना बाहर का। तो फिर इसलिए मैं भी यही कह रही हूँ कि जी जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट में रायता खाते हैं ना, ये वो वाला रायता रेडी हो जाता है, बहुत ही मज़े वाला। इधर चेक करते हैं जी, हमारा कीमा ऑलमोस्ट डन है, भुन रहा है। अब इसमें मैं ऐड करती हूँ एंड पे धनिया वगैरह, और 5 मिनट्स के लिए मैं इसको रख दूँगी दम पे, और फिर देखें इसकी लुक। अभी इसमें सारा कुछ ऐड करते हैं साथ साथ। कीमा की रौनक है जी, ये कीमे की रौनक है, सब कुछ दिखाती हूँ आपको। यार एक हाथ में फ़ोन पकड़ा होना तो दूजे नाल तुहानूं कम करना पे तो कितना मसला बन जाता है ना, है ना? तो बस, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं यार, हिम्मत दिखानी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते? ये देखें एंड पे मैंने सारा इकट्ठा ही डाल दिया। और ये रही हमारे कीमे की लुक, हमारे कीमे की नहीं, कीमे की लुक ठीक हो गया। चलें अभी इसको मैं 5 मिनट्स के लिए रखती हूँ दम पे। ऊपर थोड़ी सी डालती हूँ ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड की है, देखें आपको ऑनियंस के ऊपर नज़र आ रही होगी थोड़ी सी। अब इसमें मैं थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करती हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार हमारे ऑनियंस हो जाएंगे। और इसको मैं अभी साथ में ही कर देती हूँ कवर, और नीचे से मैं फ्लेम को भी लो कर देती हूँ, ठीक है जी। आहिर आज किस किस का मैच है यार? आज स्पेन का और क्रोएशिया का है। ओके, तो आज आप किसके साथ हो? मैं आज जी क्रोएशिया के साथ ही होऊंगा। ओह माय गॉड, आहिर के पास तो शर्ट्स भी हैं भाई, क्या बात है भाई, आहिर साहब की क्या बात है, बहुत ज़्यादा भाई। हमें फुटबॉल का क्रेज़ है और बच्चे तकरीबन क्रिकेट को छोड़ के फुटबॉल की तरफ ही आ गए हुए हैं, पहले भी थे अब ज़्यादा हैं। ये देखें जी सेम सेम शर्ट्स, क्या बात है, क्या बात है, वाह। मैच स्टार्ट होने वाला है, चलें फिर देखते हैं। वैसे आहिल बहुत मज़ा आया था, है ना, जर्मन और स्कॉटलैंड के मैच का भी बहुत ही मज़ा आया था भाई, बहुत इंजॉय किया था हमने।
मैं कल स्कॉटलैंड के साथ था, वो भी बहुत बड़ा मिस्टेक था मेरा। चलो जी आप आज इसके लिए हो जाते हैं, आज ये टीम जीतेगी मुझे इतना पता है। चलो ठीक है देखते हैं हम। नहीं नहीं रुको रुको, मैं एक चीज बतानी है, अगर स्पेन जीता आपने आप लोगों ने सारों ने मम्मा को अनफॉलो करना है। बकवास किसी ने भी मुझे अनफॉलो नहीं करना, ओके इतने अहल की बात कोई भी नहीं मानना। अच्छा जी मैं आइफा से मेहंदी लगवाने लगी हूँ, मेहंदी का कलर बहुत अच्छा है इसलिए मैंने सोचा कि मेहंदी लगानी चाहिए। तो देख रहे हैं कि ये वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, आइफा कौन सा सेकंड या ये वाला, लेकिन जो आइफा आपको इजी लगता है बस वो लगाओ। स्टार्ट करते हैं देखते हैं कौन सा हम स्टार्ट करते हैं, क्यों आइफा मैं नहीं आइफा हम नहीं आइफा खाली चलें देखते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने स्टार्ट तो कर लिया है लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहाँ तक पहुँच गए हम, इन डॉट्स को इग्नोर कीजिएगा। इफ़ा ने अपने मुताबिक थोड़ा सा ना डॉट्स लगाए थे कि यहाँ से यहाँ पे वहाँ पे, अभी ये सारे कवर हो जाएंगे। राउंड कंप्लीट हो गया, इफ़ा वैसे अच्छा बन गया है। इफ़ा मेहंदी तो बहुत ही अच्छी लग रही है माशाल्लाह, अब थोड़ी बेटर हो गई है, लास्ट ईयर से ना बेहतर हो गई है। देखें आप भी बताएं, अभी इसको कॉपी कर रहे हैं हम जनाब। सो फाइनली देखें जी मेहंदी डन हो गई है और बहुत प्यारी बहुत अच्छी लगी और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट मैं कल आपको दिखाऊंगी और अब मैं आपसे मिलूंगी भी कल सुबह में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग और ईद मुबारक आप सबको। तो जनाब ये रही मेरी मेहंदी जो मैंने सोचा कि आपको फ्रेश फ्रेश चेक करवा दूं, मैंने वॉश किया है तो ये नौके कलर ही उड़ जाए यार, कोई ड्रामेबाजी का पता भी नहीं चलता ना। मैंने कहा इस खूबसूरती को मैं आपको फ्रेश फ्रेश चेक करवा दूं। इफ़ा ने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है, मुझे तो बहुत ही पसंद आई है, अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। वैसे उसको लगानी नहीं आती लेकिन उसने खुद से ही लगा लगा के सीख लिया है, तो माशाल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। मेहंदी बहुत ही अच्छी लगी और अल्लाह का शुक्र है मेहंदी का कलर सबसे बढ़ के बहुत अच्छा आया, साथ में मेहंदी तो लग गई। चलें जी फिर मैंने कहा आपको चेक करवा देती हूँ, बाय बाय फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। इसको आप ईद का व्लॉग ना समझेगा, इसको आप एक नॉर्मल व्लॉग समझेगा क्योंकि कुर्बानी वाला प्रोग्राम भी सारा ख़राब हो गया और साथ में जनाब जो है मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, कोई खाना नहीं कोई कुछ नहीं ज़ीरो। ये जो सारा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जैसे नॉर्मल चल रहा था वैसे ही। अब मैं चेक करवाती हूँ आपको आइफा की मेहंदी, साथ में बाहर रौले पड़े हुए जी, फुटबॉल मैच चल रहे हैं आजकल उसी में ना सारी आवाम है बिज़ी। और ये डिज़ाइन है और आइफा इसको कॉपी करके लगा रही, लेकिन आइफा बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें ना मेरी मेहंदी भी आप चेक कर सकते हैं, सारा फ़ोन हिल गया यार। अभी चेक करते हैं जी, इफ़ा ने मेहंदी कंप्लीट कर ली अपनी, बहुत अच्छी बहुत ही प्यारी लग रही इफ़ा, वेरी नाइस। अब इफ़ा एक्सपर्ट हो गई, अब मुझे नेक्स्ट कोई टेंशन नहीं होने वाली है भाई, गुड। तो जनाब हमारे साथ हो गया बड़ा हैवी किस्म का प्रैंक कि हमने जो बकरा ऑर्डर किया था तो वो पता नहीं इस दफ़ा क्या सीन हुआ है, वहाँ पर नहीं हमारा रेंज हो सका, वहाँ पे सब बिक बुक गए, ले गई आवाम। और अब जाहिर है अब क्या कुर्बानी, अब तो हो गई, आज दूसरा दिन भी गुजर गया तो हमें अपने लिए सारा मीट खुद अरेंज करना पड़ा है फिर अब, क्योंकि हम तो इंतज़ार में बैठे हुए थे भाई मीट वगैरह सारा आता है तो डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं साथ में, हम घर में भी थोड़ा इंजॉय करते हैं। इस ईद पे हमारे साथ ये वाला सीन हुआ तो हम इंजॉय नहीं कर सके। खैर अब हम अपने घर के लिए ये सारा जो है ना ला के इसको संभालते संभूलते हैं और क्या है। अच्छा जी फिर वीडियो का भी मैं एंड पे यहीं पे वीडियो का भी एंड कर देती हूँ माजद के साथ, ज़ाहिर जो नहीं दिखा सकी। बाकी ईद हमारी बहुत बोर थी, घर में थी और ये मेरे हस्बैंड देखें अपनी जॉब से आए हैं, अभी भी अपने यूनिफॉर्म में हैं और साथ में ये सारा कुछ कर रहे हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होती है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।